हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पे होंगे। सो माय नेम इज़ रवि विश्वकर्मा। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। सो लास्ट टाइम पे हमने स्प्रिंग टॉपिक स्टार्ट किया था मशीन डिजाइन में, जिसमें हमने कई सारी चीज़ें कवर कर ली थी। उसका बेसिक कॉन्सेप्ट ही चल रहा था, जिसमें हमने आई थिंक सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन को कंप्लीट कर दिया था, ठीक है। और आज हम लोगों को एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है उसी स्प्रिंग की केसेस में, दैट इज योर लोड डिफ्लेक्शन इक्वेशन, या कह सकते हैं स्ट्रेस एंड डिफ्लेक्शन इक्वेशन। सो आप हेडिंग आ लीजिए स्ट्रेस एंड डिफ्लेक्शन इक्वेशन। हमें पता है स्प्रिंग की डिजाइन करते वक्त हमें दो टाइप की इक्वेशंस की जरूरत पड़ती है। एक आपकी जो इक्वेशन होती है दैट इज अ लोड स्ट्रेस इक्वेशन, एक इसकी जरूरत पड़ेगी। एक और इक्वेशन है जिसका नाम है लोड डिफ्लेक्शन इक्वेशन, ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस को मैं डिराइव कराऊंगा और बताऊंगा कि इनका यूज हम कैसे करेंगे आगे आने वाली स्प्रिंग की डिजाइन में। तो सबसे पहले हेडिंग है लोड स्ट्रेस इक्वेशन, तो इसको मैं बाद में पढ़ाऊंगा। लोड स्ट्रेस इक्वेशन, ठीक है। आप लोगों ने स्प्रिंग देखा होगा, ठीक है। अल्टीमेटली स्प्रिंग किसी ना किसी वायर से बनी होती है, वायर की अपनी एक डायमीटर होती है। मैं एक मिनट में एग्जांपल के तौर पर आपको बता रहा हूं। सी कंसीडरिंग दिस इज योर स्प्रिंग, ठीक है। आपको स्प्रिंग दिख रही, अगर मैं इस स्प्रिंग को दोनों साइड से फोर्स लगा के अगर मैं एक्सटेंड कर दूं, तो क्या होगा? ये एक देखेंगे आप, ये एक देखिए एक शाफ्ट की तरह डेवलप्ड हो गई। मींस स्प्रिंग को अगर फोर्स लगा के एक्सटेंड कर देते हैं तो वो शाफ्ट की तरह डेवलप हो जाती है। अगर उसके ऊपर फोर्स न लगाए तो वो कुछ इस फॉर्म में रहेगी, ठीक है, कुछ इस फॉर्म में। लेकिन अगर इसके ऊपर फोर्स लगा देते हैं तो ये कैसी हो जाती है? एक्सटेंड होके कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी। मीन्स एक शाफ्ट की तरह डेवलप करेगी। और उस शाफ्ट का डायमीटर क्या होगा? जो स्प्रिंग वायर का डायमीटर होगा वही उस स्प्रिंग के या अनबेंट स्प्रिंग का डायमीटर होगा। जैसे कि आइए डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। अब इस स्प्रिंग को हम क्या कर रहे हैं? एक फोर्स लगा के इसको हम एक्सटेंड कर दे रहे हैं। इस फोर्स लगा के इस स्प्रिंग को एक्सटेंड कर देंगे। एक्सटेंड करने के बाद ये स्प्रिंग कुछ कैसी बन जाएगी? लुकिंग लाइक अ शाफ्ट, एक शाफ्ट की भांति ये दिखने लगेगी। और इसकी जो डायमीटर होगी इस शाफ्ट की डायमीटर जो होगी वो डायमीटर होगी स्प्रिंग की जो वायर है उस वायर की डायमीटर। मैं मान लेता हूँ इस वायर की डायमीटर डी है, तो यहाँ पर जो इक्विवेलेंट इसका अनबेंट स्प्रिंग दिख रहे हैं, दिस इज योर हेलिकल स्प्रिंग। मैं मान लेता हूँ हेलिकल स्प्रिंग, ठीक है, बेंट फॉर्म। अगर मैं बात करता हूँ बेंट फॉर्म की, और ये कौन सी है? अनबेंट हेलिकल स्प्रिंग। और अनबेंट हेलिकल स्प्रिंग है तो अल्टीमेटली ये है क्या? दैट इज योर शाफ्ट, जिसकी डायमीटर वायर के डायमीटर या स्प्रिंग वायर के डायमीटर के इक्वल है। दिस इज द मीन कॉइल डायमीटर ऑफ द स्प्रिंग। अब कोई ना कोई फोर्स इस स्प्रिंग पे लग रहा है, और वो फोर्स लग रहा है एट स्प्रिंग के एंड पॉइंट से d/2 डिस्टेंस पे, या हम कह सकते हैं जो कॉइल डायमीटर है या कॉइल रेडियस है उस कॉइल रेडियस पे स्प्रिंग के फोर्स लग रही है। तो मान लेता हूँ इस जब मैं अनबेंड कर देता हूँ तो उसके ऊपर भी ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है इस ब्रैकेट की डायमीटर या स्प्रिंग कह सकते हैं मैं d/2 है। और अगर मैं शाफ्ट के केस में बात करूँगा तो इसको डायमीटर ना बोल के इसको मैं लेंथ बोलूँगा, तो d/2 इज द लेंथ ऑफ द ब्रैकेट इन केस ऑफ अनबिल्ट स्प्रिंग। ये वही d/2 है जो इस
बेल्ट स्प्रिंग में कॉइल डायमीटर का काम कर रहा था और जिसके ऊपर फोर्स यहाँ पर लग रहा है, दैट इज योर पी। अगर मैं बात कर रहा हूँ इसकी एक कॉइल की मैं लेंथ निकालना चाहता हूँ, मैं स्प्रिंग अगर बेंट है, स्प्रिंग अगर बेंट है, तो उस बेंट की एक कॉइल की अगर मैं लेंथ निकालना चाहता हूँ पूरी स्प्रिंग की, तो मैं मुझे पता है कॉइल डायमीटर मुझे पता है डी है, दैट इज मैं अगर यहाँ पर देखूँ लेंथ ऑफ वन कॉइल, एक कॉइल की लेंथ अगर मैं बात करूँ दैट इज योर पाई डी। लेकिन इफ देयर इज एन नंबर ऑफ कॉइल, तो ये क्या हो जाएगी पाई डी एन। मीन्स अगर इस कॉइल को मैं पूरी तरह से एक्सटेंड कर दूंगा तो इस कॉइल की जो वायर है उसकी जो लेंथ आएगी वही तो इस शाफ्ट की लेंथ होगी, ठीक, और उस लेंथ की लंबाई कितनी होगी दैट इज योर पाई डी एन। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? सिर्फ इतना किया मैंने, स्प्रिंग को लिया और स्प्रिंग को मैंने दोनों तरफ फोर्स लगा के एक्सटेंड कर दिया और वो एक शाफ्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, ठीक है, वो एक शाफ्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। और शाफ्ट की लेंथ क्या है पाई डी एन, और उस शाफ्ट की डायमीटर क्या है द डायमीटर ऑफ द स्प्रिंग वायर, एंड शाफ्ट के ऊपर फोर्स एक ब्रैकेट से डी बाई टू डिस्टेंस में लग रहा है, और डी बाई टू क्या है एक्चुअल स्प्रिंग में वो मेन कॉइल रेडियस है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो अगर मैं आगे बात करता हूँ इसी में कि एक फोर्स इसके ऊपर पी एड कर रहा है इन अनबेंट हेलिकल स्प्रिंग एट द डिस्टेंस डी बाई टू, तो इसके ऊपर जो टॉर्सनल या कह सकते हैं टॉर्सनल मोमेंट एड करेगा। देखिए ये शाफ्ट है, इस शाफ्ट से ये जो शाफ्ट दिख रहा है शाफ्ट से डी बाई टू डिस्टेंस पे एक फोर्स एड कर रहा है दैट इज योर पी। अब इस पी फोर्स की वजह से इस शाफ्ट के ऊपर एक मोमेंट डेवलप होगा, क्यों, क्योंकि ये पी इस शाफ्ट के एक्सिस से नहीं पास हो रहा है डी बाई टू डिस्टेंस से पास हो रहा है। जब डी बाई टू डिस्टेंस से पास होगा तो इस शाफ्ट के ऊपर एक मोमेंट एड कराएगा, इस मोमेंट की वजह से इसके ऊपर एक टॉर्सनल मोमेंट डेवलप होगा। तो मैं बात कर सकता हूँ कि वॉट इज द टॉर्सनल मोमेंट इन दिस केस, और मैं अगर इस केस में टॉर्सनल मोमेंट की बात करता हूँ तो लिखिए इसमें ड्यू टू फोर्स पी एक्टिंग एट द डिस्टेंस ऑफ डी बाई टू फ्रॉम शाफ्ट एक्सिस ऑन द ब्रैकेट सो दैट टॉर्सनल मोमेंट एम टी एक्ट। एम टी की वैल्यू क्या होगी, एम टी इक्वल्स टू दैट इज एक फोर्स पी लग रहा है कितने डिस्टेंस पे डी बाई टू डिस्टेंस पे, तो एम टी की वैल्यू पी डी बाई टू। इज इट क्लियर? एम टी की वैल्यू कितनी आ गई पी डी बाई टू, एंड वी नो दैट द टॉर्सनल शियर स्ट्रेस। सो अगर मैं बात करता हूँ टॉर्सनल शियर स्ट्रेस की, टॉर्सनल शियर स्ट्रेस, तो वी नो दैट टाउ इज इक्वल टू, टॉर्सनल शियर स्ट्रेस मैं टाउ वन मान लेता हूँ, टाउ इज इक्वल टू 16 एम टी अपॉन पाई डी क्यूब बाई 16 एम टी अपॉन पाई डी क्यूब, ये सभी को पता है, ठीक है। तो यहाँ से हम 16 इंटू पी डी बाई टू बाई पाई डी क्यूब, तो यहाँ से 8 टाइम्स कट जाएगा, तो टाउ वन की वैल्यू क्या आ जाएगी दैट इज योर 8 पी डी अपॉन पाई डी। ठीक है, टाउ वन इज इक्वल टू 8 पी डी अपॉन पाई डी क्यूब। ये किस केस की बात कर रहा हूँ, जब हमारी स्प्रिंग अनबेंट होके एक शाफ्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। आगे मैं बात करता हूँ, जब ये स्प्रिंग शाफ्ट के फॉर्म में नहीं कन्वर्ट हुई थी तब इसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा था, और वो फोर्स क्या होगा, इसकी वजह से इसके ऊपर एक डायरेक्ट शियर एक्ट करेगा, और वो डायरेक्ट शियर क्या होगा, देखिए जब ये स्प्रिंग
अनबेंट नहीं हुई थी उसके पहले तक इसके ऊपर एक डायरेक्ट शेयर एक्ट एक्ट कर रहा था, ठीक है, बिफोर अनबेंट, बिफोर अनबेंट, अनबेंट होने से पहले एक डायरेक्ट शेयर एक्ट कर रहा था, डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस एक्टिंग ऑन द स्प्रिंग, वो क्या था, दैट इज टाउ टू मान लेता हूँ, विच इज पी अपॉन पाई बाई फोर डी स्क्वायर, दैट इज फोर पी अपॉन पाई डी स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे मैं अगर इसको इस फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, 4p, देखिए इसको मैं कर देता हूँ 8pd अपॉन πd क्यूब 0.5d अपॉन कैपिटल d। इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैंने सिर्फ क्या किया, ऊपर नीचे स्मॉल d कैपिटल d का मल्टीप्लाई और गुणा किया है। इसको नोट करिए, फिर थोड़ा सा रफ करके थोड़ा ऊपर और इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है, नोट करिए। दिस इज योर टॉर्सनल शियर स्ट्रेस, दिस इज योर डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनेगा आपका शियर स्ट्रेस। आई होप इतना नोट हो गया होगा। देखिए टोटल शियर स्ट्रेस दैट इज टाउ इक्वल्स टू टाउ वन प्लस टाउ टू, जिसकी वैल्यू क्या दी हुई है, टाउ वन इक्वल टू 8pd अपॉन पाई डी क्यूब प्लस 8pd अपॉन पाई डी क्यूब इंटू 0.5d अपॉन स्मॉल d, कॉमन ले लीजिए 8pd अपॉन पाई डी क्यूब दैट इज 1 प्लस 0.5d अपॉन, वी नो दैट c इक्वल्स टू कैपिटल d अपॉन स्मॉल d, यहां से चेंज करेंगे 8pd अपॉन पाई डी क्यूब दैट इज 1 प्लस 0.5 टाइम ऑफ c, दैट इज द वैल्यू ऑफ टोटल शियर स्ट्रेस एक्टिंग ऑन द बेंट एंड अनबेंट स्प्रिंग, ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं इस वैल्यू की बात करता हूं तो इस वैल्यू को नोन एज शियर कंसंट्रेशन फैक्टर, शियर कंसंट्रेशन फैक्टर बोलते हैं, दैट इज के एस की वैल्यू अगर मैं बात करता हूं 1 प्लस 0.5 टाइम ऑफ सी, और के एस ही इस स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर के टर्म में के एस को ही हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज ऑफ के, तो के इक्वल्स टू 1 प्लस 0.5 टाइम ऑफ सी। अब ये भी आ गए तो इसको यहां पर रख दो, तो टाउ इक्वल्स टू के 8pd अपॉन पाई डी क्यू, यहां तक आ गए, वेयर के क्या कर देता हूं, Where K is the wall stress factor, K क्या आपको wall stress factor है, जहां पर K की value क्या आती है, 4c minus 4 that plus 0.615 upon C, ठीक है, ये value आप याद रख लीजिएगा, 4c minus 1 upon 4c minus 4 plus 0.615 by c, ठीक है। तो मैं इन दोनों को अगर हमें कंबाइन कर देता हूं तो टाउ की वैल्यू क्या निकलेगी, दैट इज योर 4c minus 1 upon 4c minus 4 plus 0.615 by दैट इज योर c, ब्रैकेट में 8pd upon pi d क्यूब। अल्टीमेटली शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या निकल के आ गई, ये भूल है, ठीक है, ये वैल्यू आ गई,
इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। सी आपको पता है स्प्रिंग इंडेक्स होता है, सी की वैल्यू आपको मैंने यहाँ लिख दी, ये होता क्या है, दैट इज योर स्प्रिंग इंडेक्स, इसको नोट करिए। और यही इक्वेशन आपकी क्या है, लोड, सॉरी कौन सा इक्वेशन है, लोड स्ट्रेस इक्वेशन, ठीक है, यहाँ स्ट्रेस यहाँ लोड, ठीक है, लोड स्ट्रेस इक्वेशन ये करिए। इसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ सेकेंड, जिसका नाम है लोड डिफ्लेक्शन इक्वेशन। हो गया, चलिए भाई हो गया हो तो आगे बढ़े भाई, चलिए भाई हो गया तो आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट हेडिंग आ रही है लोड डिफ्लेक्शन इक्वेशन। इस इक्वेशन को याद रखिएगा, ये जो यहाँ इक्वेशन लिखी है इस इक्वेशन को याद रखिएगा। हालांकि डाटा बुक में दी हुई है, देखिए मशीन डिजाइन में हर एक चीज डाटा बुक में दिया हुआ है, बस आपको समझना होगा देखा कैसे जाए। उसके लिए आपको डेली बेसिस पे जो भी लेक्चर ले रहा हूँ उस टॉपिक को खुले डेटा बुक में उससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लीजिए, सॉरी फॉर्मूलेज देख लीजिए। एक ये हो गया लोड स्ट्रेस इक्वेशन का फॉर्मूला, अब मैं दूसरा करने जा रहा हूँ, दैट इज द लोड डिफ्लेक्शन। नेक्स्ट हेडिंग आ रही है लोड डिफ्लेक्शन इक्वेशन। लोड लोड डिफ्लेक्शन इक्वेशन, ठीक है, लोड डिफ्लेक्शन इक्वेशन में क्या हो रहा है देखिए। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द स्प्रिंग, एंगल ऑफ व्यू इज थीटा एंड दिस इज द डिफ्लेक्शन डी एंड दिस इज योर डी बाय टू, ठीक है। यह आपकी स्प्रिंग है, स्प्रिंग की अपनी कॉइल डायमीटर है, दिस इज डी, वायर डायमीटर डी स्मॉल डी, थीटा इज द एंगल ऑफ ट्विस्ट, डिफ्लेक्शन डेल्टा एंड डी बाय टू, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा है, सो द एंगल ऑफ ट्विस्ट थीटा इज गिवन बाय, वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एम टी इंटू एल अपॉन जी जे, हमें सब कुछ पता है इसमें, एम टी की वैल्यू पी डी बाई टू हमें निकाल रखी है ऑलरेडी, एल आई डी एन ये भी निकाल रखा है, जी की वैल्यू नहीं पता, पाई डी की पावर फोर अपॉन थर्टी टू ये भी मुझे पता है, जे की वैल्यू, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये सबको सॉल्व करके जो थीटा की वैल्यू निकल के आएगी दैट इज ओवर सिक्सटीन पी डी स्क्वायर बाई ए इंटू एन बाई जी डी की पावर है जी डी की पावर फोर, ठीक है, टू से टू काट दो सिक्सटीन, पाई से पाई काट दिया मैंने, ठीक है, डी स्क्वायर हो गया डी डी पावर फोर, ये आपका आ गया थीटा, ठीक है। बट फ्रॉम द फिगर डिफ्लेक्शन is too small so that deflection is too small so that deflection is equal to theta into kya ho jayega length of the bracket that is length of bracket
तो डेल्टा इज इक्वल्स टू थीटा इनटू डी बाई टू फ्रॉम द फिगर, थीटा की वैल्यू मैंने निकाल दी है, दैट इज 16 पी डी स्क्वायर एन बाई जी डी की पावर 4 इनटू डी बाई टू। तो डिफ्लेक्शन की वैल्यू कितनी आ गई, 8 पी डी क्यूब एन अपॉन जी डी की पावर 4। यहाँ से आपके डिफ्लेक्शन की वैल्यू आ गई, एंगल ऑफ ट्विस्ट निकाल दिया, डिफ्लेक्शन निकाल दिया। अगर हम चाहें तो साथ साथ एक और निकाल सकते हैं, स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग हम चाहें तो निकाल सकते हैं, दैट इज के इक्वल्स टू पी अपॉन डेल्टा। डेल्टा की वैल्यू हमने पहले निकाल ली है, पी अपॉन 8 पी डी क्यूब एन अपॉन जी डी की पावर 4, पी से पी कैंसिल आउट, तो के की वैल्यू क्या निकलेगी, जी डी की पावर 4 अपॉन 8 डी क्यूब एन। ये भी तैयार कर लीजिए। तो ये हो गए आपके लोड डिफ्लेक्शन इक्वेशन, दिस इज योर लोड डिफ्लेक्शन इक्वेशन, ठीक है। इन तीनों इक्वेशन को भी याद कर लीजिएगा, ठीक है, इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं आपका। और अब सीधे आ जाते हैं डिज़ाइन ऑफ द हेलिकल स्प्रिंग, करिए इसको। हो गया, चलिए फैल जा रही है। बेसिक प्रोसीजर फॉर डिजाइनिंग ऑफ द हेलिकल स्प्रिंग, बेसिक प्रोसीजर फॉर डिजाइनिंग ऑफ द हेलिकल स्प्रिंग, फॉर्मूले याद रखिएगा, इन क्वेश्चन में इनका इस्तेमाल होगा, ठीक है। वैसे कुछ है नहीं डिज़ाइनिंग में, मैं सोच रहा था कि डिज़ाइनिंग प्रोसीजर आपसे पूछा जाता नहीं है, ठीक है, तो मैं सोच रहा था क्यों ना डिज़ाइनिंग प्रोसीजर सीधे हम न्यूमेरिकल में स्टार्ट करें, क्योंकि न्यूमेरिकल करेंगे, क्योंकि डिज़ाइन प्रोसीजर अगर मैं यहाँ कराया तो सेम चीज़ें आपको न्यूमेरिकल में भी करनी होगी और सेम चीज़ें दोबारा लिखनी होंगी, तो न्यूमेरिकल में वही चीज़ स्टेप बाई स्टेप लिखा दूंगा और कराऊंगा, ठीक है। और डिज़ाइनिंग प्रोसीजर रही बात, तो आप डिज़ाइन डेटा बुक में डिज़ाइन प्रोसीजर पूरा दिया हुआ है, तो उसको कट पेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। तो मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ कि डायरेक्ट डिज़ाइनिंग प्रोसीजर को मैं सीधा न्यूमेरिकल में अडॉप्ट करूँगा, और न्यूमेरिकल ही एक्चुअल में देखा जाए तो डिज़ाइनिंग प्रोसीजर है, क्योंकि आप न्यूमेरिकल करते हो तो आप कर क्या रहे हो, अल्टीमेटली आप किसी चीज़ या किसी स्प्रिंग की डिज़ाइनिंग कर रहे हो, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मैं डायरेक्ट न्यूमेरिकल में ही डिज़ाइनिंग प्रोसीजर का इस्तेमाल करता हूँ। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ डिज़ाइन अगेंस्ट द फ्लक्चुएटिंग लोडिंग, मीन्स उस पर बेस्ड कैसे डिज़ाइन की जा सकती है उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक। तो हेडिंग डालिए डिज़ाइन अगेंस्ट द फ्लक्चुएटिंग लोड, डिज़ाइन अगेंस्ट द फ्लक्चुएटिंग लोड। अब आपको पता ही है फ्लक्चुएटिंग लोड क्या होता है, मैक्सिमम एंड मिनिमम लोड का वेरिएशन अगर कहीं स्प्रिंग पे हो रहा है तो उसे क्या बोलते हैं, फ्लक्चुएटिंग लोड, ठीक है। कहीं अगर लोड का मैक्सिमम और मिनिमम लोड का वेरिएशन हो रहा है तो उसे बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग लोड। सो कंसीडरिंग, इसको मैं रफ कर देता हूँ, मैं डायग्राम ये इसलिए बनाया था कि आपको पता चले फ्लक्चुएशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। सो कंसीडरिंग दी पी मैक्स इज द मैक्सिमम लोड एक्टिंग ऑन द मैक्सिमम लोड एक्टिंग ऑन द स्प्रिंग
पी मैक्स एंड पी मिन इज द मिनिमम लोड एक्टिंग ऑन द स्प्रिंग. ठीक है, पी मिन इज द मीन फोर्स, ये कह सकते हैं मीन फोर्स, मेन फोर्स, फोर्स एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड. तो अगर हमें मेन फोर्स निकालना है तो करते क्या थे हम, इससे पहले मैंने बता दिया हाफ ऑफ पी मैक्स प्लस पी मिन, दिस इज योर मेन फोर्स. और यहीं पर अगर मुझे फोर्स एम्पलीट्यूड निकालना था तो वन एंड हाफ ऑफ मैक्सिमम फोर्स से मिनिमम फोर्स को माइनस करके उसको डिवाइड कर देने से मुझे क्या मिल जाता था, मिनिमम फोर्स निकल पाता था. ठीक है, यहां तक करते थे, सभी लोगों को पता है, बहुत अच्छे से पता होगा. और इसी के टर्म में अगर मैं निकालना चाहता हूं मीन स्ट्रेस, या कह सकते हैं मीन शियर स्ट्रेस, तो उसके इसमें क्या करेंगे, अगर मुझे निकालना है क्या मीन शियर स्ट्रेस means tau m, तो tau m क्या होगा, k 8 pm into d q upon pi d cube, 8 pm upon pi d cube. ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक सही. where k is equal to पता था 1 प्लस 0.5 टाइम ऑफ c, 0.5 बाई c. और अगर यहीं पर मुझे निकालना हो स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस एम्पलीट्यूड, या फिर कह सकते हैं स्ट्रेस एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड दैट इज टाउ ए, तो टाउ ए भी निकालने के लिए हम सेम वही चीज करेंगे, k 8 पी ए डी अपॉन पाई डी क्यू. कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, क्योंकि हमने बस पी की जगह पी मीन लिख दिया क्योंकि हमें मीन स्ट्रेस निकालना था, पी की जगह पी ए लिख दिया क्योंकि मुझे स्ट्रेस एम्पलीट्यूड निकालना था. यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए. ठीक है, इसको नोट करिए, फिर एक ग्राफ के माध्यम से मैं आपको एक फॉर्मूला बना के दे रहा हूँ, उस फॉर्मूले का इस्तेमाल काफी होगा आगे चल के. ठीक है, मतलब फ्लक्चुएटिंग डिजाइनिंग करते वक्त उसका इस्तेमाल होगा. ठीक है, इसके द्वारा बनाइए. और नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा फटीग डायग्राम फॉर स्प्रिंग डिजाइन, फटीग डायग्राम फॉर स्प्रिंग डिजाइन. ये सारी चीजें मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ इसलिए इतना प्रूविंग की जरूरत नहीं, इन सब का मैं बकायदा डायग्राम बना बना के हर एक का मैंने बताया था. ठीक है, तो थोड़ा देख लीजिएगा प्रीवियस, आई थिंक तीसरी चौथी क्लास थी शुरू से ही. चलिए हेडिंग डालिए फटीग डायग्राम फॉर स्प्रिंग डिजाइन, फटीग डायग्राम फॉर फटीग डायग्राम फॉर स्प्रिंग डिजाइन. देखिए दिस इज योर स्ट्रेस एम्पलीट्यूड, मीन स्ट्रेस. एक एक्सपेरिमेंटल कर्वेचर बनाया गया था यहाँ पर, जो एक्सपेरिमेंट के बिहार पे बना था. एक एक्सपेरिमेंटल कर्वेचर से ही एक लाइन पास हुई थी और उस लाइन को बोला गया था लाइन ऑफ फेलियर, और उससे कुछ ही नीचे पर एक लाइन और बनाई गई थी, इसे बोला गया था डिजाइन लाइन. मींस आपको डिजाइनिंग इस डिजाइन लाइन के अंदर रहते हुए ही करनी थी. ठीक है, एक आपकी बनी थी एक्सपेरिमेंटल कर्वेचर, दूसरा डिजाइन लाइन, दूसरा था सॉरी लाइन ऑफ फेलियर, दूसरा डिजाइन लाइन. ठीक है, और यहीं से एक आपकी लाइन गई थी जिसका नाम था लोड लाइन. इस लोड लाइन पे जो एक पॉइंट था, इस पॉइंट को हम बोलते थे
tau a, and this is mean stress. यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी मैं लिख दे रहा हूँ. दिस इज योर एक्सपेरिमेंटल कर्व, दिस इज योर फेलियर लाइन, दिस इज योर डिजाइन लाइन, एंड दिस वन इज योर लोड लाइन. ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए. इज इट क्लियर? एक मिनट दीजिए, इसको मैं थोड़ा और सिस्टमैटिक बना देता हूं. थोड़ा सा एक मिनट रुकिए, डायग्राम थोड़ा सिस्टमैटिक बना दे रहा हूं. Tau A and tau M. अगर मैं मान लेता हूं this is point A, this is point B, point A, point B, इसको मैं आगे अगर बढ़ा दूं, इस लाइन को कुछ यहां पर काटेगी, ये लाइन यहां पर काटेगी, A B, और इस पॉइंट को C, इसको मैं D, इसको E, और इसको X मान लेता हूं. ठीक है, और इसको इस पॉइंट को मैं Y मान लेता हूं. ठीक है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो होती है, दिस इज नोन एज यील्ड शियर स्ट्रेस अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी. ये इसके बराबर है. और ये जो पॉइंट कर्व यहां पर काटा गया, दैट इज योर इंड्यूरेंस लिमिट होती S, और उसकी वैल्यू क्या होती है, हाफ ऑफ एस एस ई डैश कॉमा वन अपॉन हाफ ऑफ एस 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 ई डैश. ठीक है, एस एस ई डैश, एस एस ई डैश मतलब ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट कुछ ये हैं, ये सी, ये हो गए. ठीक है, दिस इज एंगल ऑफ थीटा. अगर मैं टैन थीटा निकालना चाहता हूँ, आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द टैन थीटा. ये आपको डायग्राम याद नहीं करना है, ना पूछा था एग्जाम में, बस आपसे जो फॉर्मूला मैं लिखा रहा हूँ इससे वो लिखिए. टैन थीटा इज इक्वल टू, देखिए थीटा इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, मीन्स एक्स वाई अपॉन बी वाई, जिसकी वैल्यू क्या है, टाउ ए अपॉन टाउ एम. इज इट क्लियर? थीटा की वैल्यू क्या आएगी, टैन इनवर्स टाउ ए अपॉन टाउ एम. याद रखिएगा, फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल बी एक्स वाई एंड ए बी ई. सो क्या होगा, क्या होगा यहां पर बताएं, एक्स वाई अपॉन एक्स वाई अपॉन वाई डी. देखिए सिमिलर ट्रायंगल कौन सा, बी एक्स वाई, बी एक्स वाई ये सिमिलर ट्रायंगल है, बी एक्स वाई ये एक सिमिलर ट्रायंगल है, और इसी तरह का ये एक ट्रायंगल है. देखिए एक छोटा ट्रायंगल ये, और बी ए ई भी एक ट्रायंगल है. तो मैंने क्या लिखा, एक्स वाई अपॉन बी वाई, एक्स वाई अपॉन बी वाई, नॉट वाई डी, एक्स वाई अपॉन नहीं, ये उल्टा हो गया, बी एक्स नहीं होगा, राइट सर, एक्स वाई डी. ये एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको, और एक ये एक ट्रायंगल दिख रहा है, सिमिलर ट्रायंगल.
तो एक्स वाई, एक्स वाई अपॉन वाई डी, वाई डी किसके इक्वल होगा? ए बी अपॉन, ए बी अपॉन बी ई। एक्स वाई की वैल्यू आपको पता है, दैट इज नॉट टाउ। वाई डी की वैल्यू पता है, दैट इज एस एस वाई अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी माइनस टाउ एम इक्वल। फैक्टर ऑफ सेफ्टी में अगर इतना माइनस कर देंगे तो यही तो आ जाएगा आपका, ठीक। फैक्टर ऑफ सेफ्टी मतलब इतने में से अगर इतना माइनस कर देंगे तो ये बचेगा, ठीक। और ये दिया हुआ है टाउ एम, ये दिया है एस एस वाई बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो इतना आ गया, इसको माइनस करके। ए बी आपको पता है ये वर्टिकल डिस्टेंस कितनी है, हाफ ऑफ एस एस ई डैश बाई, मुझे ये निकालना है। तो क्या होगा इसमें से उसको मैं ऐड कर देता हूँ या माइनस कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें पता है ये डिस्टेंस अगर एस एस वाई है तो ये कितनी होगी फेलियर के, फैक्टर ऑफ सेफ्टी फेलियर जोन के अंदर आ गई, तो ये आपकी फेलियर है यहाँ तक। तो मैं अगर एस एस वाई माइनस कर दूँगा किससे, वन एंड हाफ ऑफ एस एस ई डैश, तो उससे निकालें, तो इससे ये फॉर्मूला निकला जिसको मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, दैट इज टाउ बाई एस एस वाई अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी माइनस टाउ एम इक्वल्स टू हाफ ऑफ एस एस ई डैश अपॉन एस एस वाई माइनस हाफ ऑफ एस एस ई डैश, ठीक। इस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिएगा, शायद ये फॉर्मूला आपका डाटा बुक में नहीं दिया होगा, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। इस डायग्राम को बनाने के बाद ये लिखिए और इसको लिखने के बाद ये लिखिए, ठीक है, ये बनाइए और फिर आगे देखते हैं क्या करना है। जल्दी करिए भाई आप लोग। तो हो गया, चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट टाइम पे मिलेंगे। तो अब फिर न्यूमेरिकल बचे हैं आपके, कॉन्सेप्ट सारा हो गया। अब नेक्स्ट टाइम पे या नेक्स्ट क्लास में जब भी मिलेंगे तो इस पे बेस दो चार न्यूमेरिकल लगवाते हैं और इस स्प्रिंग टॉपिक को फिनिश करते हैं, ठीक है। चलिए फिर, जय हिंद जय भारत।